अगर आपने एसएससी का एग्जाम दिया है, किसी रीजन से आपका एसएससी का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, या अगर आपका एसएससी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, सेम जैसा एसएससी का एग्जाम हुआ था, जैसे एसएससी की भर्ती होने वाली है, सेम ऐसी ही भर्ती निकली है बीएसएफ के अंदर ट्रेडमैन की। जिन कैंडिडेट की हाइट कम है थोड़ा, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा चांस है। हम बात कर रहे हैं बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में, जो 2022 के अंदर होने वाली है। इसकी तैयारी जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं, जो अपना आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं, या पैरामिलिट्री की, टीए की, जो बंदे भर्ती की तैयारी करते हैं, वो ये भर्ती देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रोसेस होने वाला है इसका। 7 फेज में ये भर्ती कंप्लीट होगी। 4 से 5 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देख लेना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर वैकेंसी कितनी है, इस भर्ती का प्रोसेस कैसा है, इसमें फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट फेज क्या होगा, ऐसे करके कंप्लीट डिटेल बताई गई है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अभी देखिए, यहां पे हम बात कर रहे हैं 2022 के अंदर जो भर्ती हो रही है उसके बारे में। 2022 के अंदर ये जो भर्ती है, जो इसकी स्टार्टिंग डेट है, वो है 15 जनवरी। 15 जनवरी को इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 28 फरवरी रहेगी। 28 फरवरी तक ये जो फॉर्म है आपको अप्लाई करना है। अगर पोस्ट की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो 2788 पोस्ट है। हम बात करते हैं पहले फेज की, जो सबसे स्टार्टिंग में होने वाला है वो क्या है। सबसे पहले होगा आपका पीएससी। पीएससी बोले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके लिए आप में जो आपका क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, उसमें जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज हाइट के बारे में बताया गया है। जो बच्चे ओपन कैटेगरी वाले हैं, उनकी हाइट 167.5 होना चाहिए, ये है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए है 157 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो हिली एरिया से है, पहाड़ी क्षेत्र से है, उनके लिए 165 और फीमेल के लिए है 155। उसके बाद में जो एससी एसटी और जो आदिवासी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 है। ये आपका पहला प्रोसेस रहेगा पीएसटी के अंदर। आपका हाइट, वेट, चेस्ट है, ये सब कुछ रहेगा पीएसटी के बाद में। पीएसटी के बाद में जो आपका सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज में आपका रहेगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग, और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 24 मिनट्स का, जो सेम एसएससी में रहता है वही सेम है। और फिर जो फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए है 1.6 किलोमीटर, मीन्स 1600 मीटर, और उसके लिए जो टाइम रहेगा वो रहेगा 8.5 मिनट्स का। ये आपका रहेगा पीईटी। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आपका वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपका आधार कार्ड है, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल्स है, और जो भी आपका ट्रेड टेस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब डॉक्यूमेंट्स है, वो थर्ड फेज पे चेक होंगे। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपका होगा ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है ट्रेड टेस्ट का। ये जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, ये ओनली फॉर क्वालिफाई करना है, इसमें इसके कोई मार्क्स नहीं है। जिस भी ट्रेड के लिए, कुछ एक ट्रेड इसके अंदर ऐसी है जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी हैं, उनके अंदर आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और कुछ एक जो पोस्ट है वे ऐसी हैं कि इनमें आपको सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा 1 ईयर या 2 ईयर, तो वो होना चाहिए। वो होगा फोर्थ फेज पे आपका ट्रेड टेस्ट। उसके बाद में ये जो चारों स्टेप क्लियर कर देंगे, जिनका पीएससी हो जाएगा, पीईटी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, और उसके बाद में ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उनको फिर वे रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और जो रिटन टेस्ट होने वाला है, वो सेम जैसे एसएससी का हुआ था, वही 100 क्वेश्चन का होने वाला है, 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और जो ईच क्वेश्चन है वो कैरी 1 मार्क्स। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। एसएससी में आपको टाइम मिला था 1.5 घंटे का, और इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है, 25-25 नंबर के 4 पोर्शन रहेंगे, जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, और आपका हिंदी इंग्लिश में से आपकी चॉइस है। चारों पोर्शन है वो 25 मार्क्स कैरी करेंगे, और ये 100 नंबर का एक टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट की आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, आपको बस अपनी जो तैयारी कर रहे थे उसको थोड़ा कंटिन्यू रखना है। जब रिटन टेस्ट जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके लिए, उसके बाद में फिर मेडिकल के लिए बच्चों को बुलाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, कोई भी जो भर्ती होती है उसका 10 करके वो मेडिकल के लिए बुलाते हैं। अगर यहां पे 2788 वैकेंसी है,
तो वो 27,880 बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाने वाले हैं। 27,880 बच्चे हैं, उनको वो मेडिकल के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है। और जब मेडिकल भी आपका क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट लगेगी और आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आपका डाउट रहता है कोई भी, तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किसी भी टाइप की जो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।